डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। तो क्या बोलती मेरे देश की जनता, नादन सब ठीक ना? मैं आपका संवाददाता लादिन लार, तो आप देख रहे हैं बकचोदी की पाठशाला। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और बकचोदी पसंद आ रही है तो लाइक करना, और एक बकचोद सा कमेंट, और वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया तो अपने बकचोद दोस्तों में वीडियो शेयर करना ना भूलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं बकचोदी के साथ। क्या बोला तूने? अशोक, तुम घर छोड़कर क्यों जा रही हो? क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो यहाँ? जी जी, इनकी डाली पे कभी फूल नहीं खिलता। तो मैडम, तू जिसको फूल बोल रही है ना, उसने आधे अमेरिका की झक मार रखी है। उसका नाम है जॉनी सिंस, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ जॉनी। भैया जब मूड पे आता है ना, फूल छोड़ो माली छोड़ो, सबको लाइन पे लगा देता है। वो जॉनी सिंस है, जॉनी सिंस पॉन्ड इंडस्ट्रीज का किंग कहलाता है। वो फूल बोल रही है। शाबाश बेटा। क्या मतलब? चुप, बोलने दो मुझे। आपके छोटे भाई का पप्पू खानदान साला, खानदान साला। इनका जॉनी कभी सेंस ही नहीं करता। ओ मैडम, तू जिसको पप्पू बोल रही है ना, उसके बारे में तू जाके मियां खलीफा और डैनी डैनियल से पूछ लिए। वो पप्पू नहीं है, अप्पू है। उसे देखकर तो वेस्ट इंडीज भी डरते हैं बेचारे। कहां से आ गया जी एस्ट्रोनॉट, इंजीनियर और जाने क्या क्या वो एक्ट करता है। हम जैसे बंदों का आइडल है, आइडल। बात सही है। पप्पू बोल रही है उसको, पप्पू। अब तो वो इंडिया में आ गया। क्या पहली बार नहीं आया, दूसरी बार से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वक्त किशो, क्या बकवास किए जा रही हो? मैंने इन्हें कितनी बार बोला कि बोल्ड केयर लिया करो, ताकि इन्हें बेडरूम में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैडम, जिसको तू लेने के लिए बोल रही है ना, अगर वो चालू हो गया ना तो सुबह से शाम तक हो जाएगी, पर वो रुकना नहीं। वो तेरी चौखट का चौड़ा कर देगा, चौड़ा। जानती है कौन है वो? नाम तो खैर बताने की जरूरत नहीं है। तुझे शर्म नहीं आ रही? किसके बारे में कह रही है तू? कौन है? हैं? जैसे देख के लोग त्रिपटे भागते हैं, तू उसके बारे में कह रही है? खराब हो जाएगा मैं भाई। इसको किसी ने वीडियो नहीं दिखाई क्या इसकी? ये क्या है भाई? ग्रेविटी पे ग्रेविटी कहां गई यार? तुमने तो न्यूटन को पीछे छोड़ दिया जॉनी भैया यार। और रणवीर सिंह, तुम क्या हाथ में उसको क्या अस्तंबा पकड़ा रहे थे क्या? जा उसको कैच कर जाके। ओ भाई पूरा कांड कर दिया तुमने ग्रेविटी में। और जो मैडम तुम्हारे अभी क्या नाम होते शिकायतें कर रही थी, 2 मिनट में ठीक कर दिया ताला लगा के चाबी। यार रणवीर सिंह भाई हद है यार। क्या भाई मैं इन लोगों को क्या कहूँ यार, कुछ नहीं कह सकता मैं इन लोगों के बारे में। और जॉनी भैया तुमने दिल तोड़ दिया यार, ग्रेविटी का काम कर दिया तुमने यार। ये कोई नहीं यार, नहीं होता हम फिर भी तुम्हारे फैन। किशु तुम ठीक हो? नहीं मैं बहुत ठीक हूँ। पाया, I'll take care of her. Take bold care of her. और रणवीर भाई जिस तरीके से तुम उससे हाथ मिला रहे हो, उससे सीख लो कुछ। जो तुम्हारे दीपिका भाभी के रिलेशन में जो दिक्कत है वो ठीक कर देगा, जो करण जौहर के शो में जाकर तुम्हारी बेइज्जतियां कर रही है। सीख लो कुछ, अभी भी नहीं सीख पाए तो नालत है तुम्हारी जिंदगी पे। हैं जो शिकायत कर रही है वो, भाई बंदा है टैलेंटेड, उससे सीख लो। ग्रेविटी में उसने काम कर दिया यार, नसा दिया तुमने यार। गोल्ड केयर, वाह शाबाश वाह रणवीर भाई। हेलो गाइस, तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दूसरी चीज़, जो रणवीर भाई के फैंस हैं प्लीज़ वो हेट्स ना करें, बस केवल यार मनोरंजन के लिए वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ इसको दिल पे ना लें, बस फन करें, एंजॉय करें। और अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। चश्मा भी नहीं लग रहे, मैं भी जा रहा हूं जॉनी सिंस की 23वीं वीडियो देखना। नहीं नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।